गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आईजीएच छत्ता और एचपी एजुकेशन के माध्यम से आपके सामने, आपको पता है कि जीके की एक श्रृंखला चालू की है। लॉकडाउन में सभी विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की सहायता और उन सब की एक प्रकार से मदद, या यूँ कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव विद्यार्थियों के साथ रखना चाहते हैं, ताकि इस विकट परिस्थिति में थोड़ा बहुत संबल प्रदान किया जाए। उसी क्रम में हमने दो टॉपिक लगभग राजस्थान जीके के संपूर्ण पूर्ण कर दिए हैं। एक तो राजस्थान की इतिहास को जानने के स्रोत, और जो दूसरा जो टॉपिक था वो है राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तीसरा टॉपिक हमने जो लिया था वो राजस्थान का एकीकरण था। राजस्थान का एकीकरण हमने प्रारंभ कर दिया था, और कुछ बातें हमने बताई थी राजस्थान के एकीकरण के संबंधित, जो उसके राजस्थान के एकीकरण होने से पहले की जो पृष्ठभूमि थी उसकी बातें हमने बताई थी, कि राजस्थान का एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया, मध्यकाल में अकबर ने किया था, उसके बाद आधुनिक समय में राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किस किसने किया, तो उसमें हमने बात की थी कोटा के राजा की, डूंगरपुर के राजा की, जोधपुर के राजा की, जयपुर के राजा की, और मेवाड़ के महाराणा की हमने बात की थी, कि सब अपने अपने हिसाब से एकीकरण का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये योजना इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी कि उन लोगों को या उनको जितनी आशाएं थी, उस आशा के अनुरूप ये योजना सफल नहीं हुई। तो उसी संदर्भ में हम और अध्ययन करते हैं कि और क्या क्या घटनाएं जो थी वो एकीकरण के दौरान घटी थी, और क्वेश्चन बाय द वे बन जाए तो टॉपिक है हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, ये वो चीजें हैं जो फैक्ट है, उसके अलावा है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्या क्या हुआ था उस दौरान। तो जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक नाम था हनुमंत सिंह। जोधपुर के शासक को और धौलपुर के शासक, धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, ये जो धौलपुर के शासक हैं, ये जोधपुर के शासक से मिलकर दोनों ने योजना बनाई पाकिस्तान में जाने की, पाक में जाने की योजना बनाई, और इसके लिए बकायदा जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से बात की। अब देखिए, इन मोहम्मद अली जिन्ना, जोधपुर के शासक, धौलपुर के शासक के साथ तीसरा व्यक्ति जो शामिल था, चौथा व्यक्ति जो शामिल था, वो थे भोपाल के नवाब, इन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि ये जैसे हम देखें ये भारत है, यहां पे ये जो रियासत थी ये थी जैसलमेर, और जैसलमेर से लगी हुई थी मारवाड़ या जोधपुर, और मारवाड़ या जोधपुर के बीच में थी मेवाड़, और मेवाड़ रियासत लगी हुई थी भोपाल। देखिए, ये उस समय का फिजिकल थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। जैसलमेर थी, जैसलमेर के पश्चिम में पूरा पाकिस्तान था, जैसलमेर पाकिस्तान और जोधपुर के मध्य जैसलमेर स्थित था, और जैसलमेर और मेवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे पहले, वैवाहिक संबंध पहले से थे।
पाकिस्तान के कायदे आजम जो जिन्ना है वो और भोपाल के नवाब दोनों ने मिलकर जोधपुर के शासक से बात की। जोधपुर के शासक को उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देने की, जैसे कि सिंध से जो मारवाड़ ट्रेन आएगी वो ट्रेन पर जितना भी रेवेन्यू ट्रेन को मिलेगा वो सारा का सारा रेवेन्यू किसको मिल जाएगा? जोधपुर के शासक को। इसके अलावा जो मारवाड़ या जोधपुर रियासत है वो रियासत जो है हथियार का आयात कर सकती है। एक छूट ये थी। तीसरी छूट ये थी कि अकाल के समय अन्न जो है वो जोधपुर को पाकिस्तान अवेलेबल करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। इस प्रकार से तीन चार सुविधाएं जोधपुर को देने का वादा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जोधपुर की इच्छा हुई कि क्यों ना हम पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वहां पे सुविधाएं मिलने का वादा देने का वादा पाकिस्तान के कायदे आजम ने किया था। उनके साथ साथ जो धौलपुर रियासत थी, धौलपुर रियासत भी ये चाहती थी कि वो भी पाकिस्तान में चली जाए, किंतु पाकिस्तान और जोधपुर के मध्य जैसलमेर रियासत स्थित थी और जोधपुर और भोपाल के मध्य मेवाड़ रियासत जो थी वो स्थित थी। जैसलमेर और मेवाड़ ने यहां पर अवरोधक का कार्य किया और जैसलमेर के शासक का जो हिंदूवादी रवैया था वो रवैया पाकिस्तान की ओर जाने के लिए उन्हें रोकता था। और जब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान में आएंगे, आपको भी हम अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो मेवाड़ महाराणा के जो शब्द थे वो यहां पर बड़े महत्वपूर्ण थे कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है या भारत में रहना है, इसका जो निर्णय है मुझे लेने की आवश्यकता नहीं, इसका निर्णय हमारे पुरखे करके गए हैं। उनका जो इंडिकेशन था, उनका जो नजर जो इशारा था वो राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, इनकी तरफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में, इसका जो निर्णय है मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इसका निर्णय हमारे पुरखे करके आए हैं। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। जब महाराणा मेवाड़ जाने के लिए उन्होंने इनकार किया तो जैसलमेर जो कि उनके साथ वैवाहिक संबंध से बना हुआ था, जैसलमेर ने भी इसके लिए इनकार कर दिया और आखिरकार धौलपुर और जोधपुर का जो सपना था पाकिस्तान में जाने का वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। उसी वजह से भोपाल का नवाब जो था वो भी हिंदुस्तान में रहने के लिए मजबूर हुआ, वरना ये जो एरिया था पूरा हो सकता है पाकिस्तान में होता। और ये पूरा का पूरा महाराणा भोपाल सिंह जी को समझाना, भोपाल सिंह जी को राजी करना, ये सारा सारा काम किया था रियासती विभाग ने। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, रियासती विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया था, उनका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था, उनकी सबकी बात हम करते हैं। बात की थी राजस्थान के किरण, जोधपुर के शासक, धौलपुर के शासक भारत में नहीं मिलके पाकिस्तान में मिलने की कोशिश में थे, किंतु फिर भी आखिरकार उनको लगा कि यार कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि यार हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, और तात्कालिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के साथ एक दस्तावेज बनाया था रियासती विभाग ने, उसकी बात हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उसके तहत तो उन्होंने हस्ताक्षर किए और अपने रियासत को संपूर्ण रूप से भारत संघ में विलय कर दिया। कुछ तारीखें हैं उनको याद रखना चाहिए हमको, 25 जून 1947 तारीख याद रखना, 25 जून 1947 को भारत की अंतरिम सरकार ने एक विभाग
बनाने का निर्णय लिया और उस विभाग का कार्य था कि सभी रियासतों को एकत्र करना, इकट्ठी करना, और उस रियासत, उस विभाग का नाम रखा रियासती विभाग। 5 जुलाई 1947 को, देखिए तारीख इंपॉर्टेंट है, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रियासती विभाग का, इस रियासती विभाग का प्रमुख बनाया गया। देखिए तारीख याद रखनी है, 25 जून 1947 को भारत की सरकार जो है, अंतरिम सरकार जो है, वो एक निर्णय लेती है कि एक विभाग बनाया जाए जिसके जो जिसका कार्य यह होगा कि वह सभी रियासतों को एकत्र करने का कार्य करे। तारीख महत्वपूर्ण है 25 जून की, और उसी के तहत एक विभाग का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसे रियासती विभाग नाम दिया गया। और रियासती विभाग जो गठित किया गया उसका प्रमुख बनाया गया सरदार पटेल को, और सरदार पटेल को प्रमुख बनाया 5 जुलाई 1947 को। तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि सरदार पटेल को जो रियासती विभाग का प्रमुख कब बनाया था ना, 5 जुलाई को बनाया था। और इस रियासती विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया, लेकिन सचिव बनाया गया, सचिव बनाया गया वी पी मेनन। अब देखिए वी पी मेनन है कौन, तो सीनियर आईसीएस थे, सीनियर आईसीएस, जैसे अभी आईएएस चलता है उस समय आईसीएस चलता था, इंडियन सिविल सर्विस, अभी चलती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय चलता था इंडियन सिविल सर्विस। तो उसके तहत सचिव जो बनाया गया वो वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन को बनाने का कारण ये था कि एक तो इन्होंने माउंट बेटन जो थे, माउंट बेटन, इन्होंने माउंट बेटन के सलाहकार के रूप में काम किया था, पहले माउंट बेटन के सलाहकार है। माउंट बेटन की बात करते हैं हम, तो माउंट बेटन भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय या गवर्नर जनरल, देखो अंतिम अंग्रेज, अगर यहीं पे क्वेश्चन आएगा अंतिम अंग्रेज शब्द नहीं आए तो सी राजगोपालाचारी आएगा, सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन कौन है, तो अंतिम अंग्रेज वायसराय है या गवर्नर जनरल है, अगर अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी आएगा, अंतिम भारतीय तो भी सी राजगोपालाचारी आएगा। अब ये जो वायसराय शब्द था, थोड़े सी डीप में जाते हैं, वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, इसकी भी बात हम करेंगे 1857 की क्रांति की, पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी इनकी बटालियन कहां पे थी, कहां कितनी छावनियां थी, प्रधानमंत्री कौन था, एलईडी कौन था, जीजी कौन था, सब बातें करेंगे जब हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे। माउंटबेटन के सलाहकार थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है या वायसराय है माउंटबेटन, 1857 में शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। वायसराय शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए वायसराय शब्द का अर्थ होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, वायसराय की बात कर रहा हूं, किसका प्रतिनिधि, तो क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि। और ज्यादा बात करेंगे हम जब इसका टॉपिक आएगा उस समय। अब पहला गवर्नर, पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड केने। ये क्वेश्चन जो है वो 2012 थर्ड ग्रेड का आया हुआ है, जो जिला परिषद से भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड केने। आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि कैनिंग से लगा
माउंटबेटन तक कितने वायसराय हुए, तो यहां पर होते हैं टोटल 26 वायसराय। इसकी डिटेल और हम बात करेंगे। सचिव वीपी मेनन को बताया, वीपी मेनन क्यों, क्योंकि वीपी मेनन क्या है, सलाहकार रह चुके हैं माउंटबेटन के। उसके अलावा ये जो वीपी मेनन है, ये भारत के प्रत्येक राजा की प्रकृति को पहचानते थे, क्योंकि अपने लंबे जो सरकारी कैरियर था इनका, जो इनका सर्विस का कैरियर था, उस लंबे सर्विस के कैरियर में इन्होंने कई राजाओं के साथ काम किया था, और कई राजाओं के साथ काम करते करते कई राजाओं के कांटेक्ट में आए थे, इसीलिए लगभग सबकी प्रकृति को पहचानते थे। इसीलिए इनको बनाया गया रियासती विभाग का प्रमुख, कि रियासती विभाग एक ऐसा विभाग होगा जो सभी रियासतों का एकीकरण करेगा, सभी रियासतों के राजाओं को समझा बुझा के साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हुए उनको भारत संघ में शामिल होने के लिए सहमत करेगा, बाध्य करेगा, जिस तरीके से भी वो लोग मानते हैं उस तरीके से उनका, उस तरीके का उपयोग करते हुए उन्हें एक छत्र के नीचे एक संघ के अधीन उनको लाएगा। और इसी रियासती विभाग ने 25 जुलाई 1947 को, तारीख ये याद रखने की, ये याद रखना जरूरी है, 25 जुलाई 1947 को इस रियासती विभाग ने दो प्रपत्र तैयार कर रहे हैं। दो प्रपत्र, पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा प्रपत्र है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग दो प्रपत्र तैयार करवाता है सरदार पटेल के नेतृत्व में। पहले प्रपत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे प्रपत्र का नाम है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 1947 को रियासती विभाग ने सरदार पटेल के निर्देशन में, सरदार पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं, लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहा जाता है इंग्लिश में, सरदार पटेल के निर्देशन में दो प्रपत्र तैयार करवाए। बात की थी हमने, पहला प्रपत्र है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं यही लिखवाता हूं आपको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बोलते हैं विलय पत्र, या इसको ये भी कह सकते हैं सहमति पत्र। इस प्रपत्र पर उन राजाओं को हस्ताक्षर करने थे जिन्हें राजस्थान या भारत संघ में शामिल होना था, अब देखिए पहला प्रश्न यह आएगा विलय पत्र का और नाम क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किन किन राजाओं ने हस्ताक्षर की या किसे हस्ताक्षर करना था पहला। तो यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे, ठीक है। तो पहले शासक थे यहां पर हस्ताक्षर करने वाले, प्रथम शासक
शादोल सिंह थे। शादोल सिंह शादोल सिंह और शादोल सिंह जी साहब जो थे वो थे बीकानेर के। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन है? तो शादोल सिंह। शादोल सिंह कहाँ है? कहाँ के है? तो बीकानेर के। अभी तक हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया इन्होंने कब हस्ताक्षर किए, पर फिर भी अगर कोई आरबीएससी अलीगढ़ चयन बोर्ड एक कदम आगे जाके और डीप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो वो इसकी तारीख पूछ सकता है। तो इसकी तारीख थी 7 अगस्त। राजस्थान के एकीकरण में पहले हस्ताक्षर किसके हुए? तो शादोल सिंह जी के हुए। शादोल सिंह जी का हस्ताक्षर कब हो रहे? तो 7 अगस्त 1947। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि अंतिम हस्ताक्षर किसके थे, ये भी बन सकता है। तो यहां पर अंतिम हस्ताक्षर थे, अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के शासक, धौलपुर के शासक उदय भान सिंह। अंतिम हस्ताक्षर किए उदय भान सिंह जी ने। अब इनका भी यही क्वेश्चन आ सकता है कि कब किए? तो ये किए थे 14 अगस्त 1947। ये तारीख वो है जब पाकिस्तान का निर्माण या गठन हुआ था, पाक का गठन इसीलिए हुआ था। धौलपुर के शासक के साथ ही, मतलब अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर के शासक के थे, इनसे जस्ट पहले हस्ताक्षर किए थे जोधपुर के शासक थे और उन्हीं के साथ किए थे भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब। पहले हस्ताक्षर है शादोल सिंह जी के बीकानेर, सबसे पहले 7 अगस्त 1947। अंतिम हस्ताक्षर है धौलपुर के शासक उदय भान सिंह जी के, और उदय भान सिंह जी के ने हस्ताक्षर कब किए? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब बना था उसी दिन इन्होंने हस्ताक्षर किए। और इनके साथ हस्ताक्षर करने वाले जोधपुर के शासक है हनुमान सिंह जी और भोपाल के नवाब थे, इन्होंने भी उसी दिन हस्ताक्षर किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर सबसे पहले हुए शादोल सिंह जी के और सबसे बाद में हुए धौलपुर के शासक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां इसी प्रपत्र से ही आ सकता है कि किसके हस्ताक्षर नहीं। तो आप देखिए किशनगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़ वर्तमान में अजमेर में है और शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में। तो किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें ऐसी थी जिनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? ये छोटी रियासतें थी, इतना वजूद नहीं रखती थी और इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था। तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था। देखिए हस्ताक्षर भी नहीं करवाए, तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था। यहां पे जब तोप की बात आई तो हम एक बात और करते हैं कि ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया था, तो दो रियासतें ये थी किशनगढ़ शाहपुरा। एक क्वेश्चन बाय द वे आ जाए कि ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत ऐसी थी जिसकी तोपों की सलामी का अधिकार कम कर दिया था या उनकी संख्या जो थी वो कम कर दी थी। तो 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के बाद कोटा रियासत ऐसी थी जिसको तो दी जाने वाली तोपों की संख्या में सलामी में तोपों की संख्या की कमी कर दी थी। कितनी करी थी? हम ये 1857 की क्रांति में बात करेंगे तो कोटा के सम्मान में तो कमी कर दी थी और उसी दौरान करौली के सम्मान में बढ़ोतरी की गई, क्योंकि करौली के शासक की मदद से ही कोटा पर कब्जा किया गया था वापस अंग्रेजों द्वारा। तो
तो क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि किस किस को तोहफों की सलामी का किस किस ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, किशनगढ़ सांपराज नहीं किए थे, किसको तोहफों की सलामी का अधिकार नहीं था, इनको ही नहीं था, किस किस की तोहफों की सलामी की संख्या में कम करते हुए के सम्मान में कमी की थी, तो कोटा, और कब तो 1857, और किसके सम्मान बढ़ोतरी की थी तो के करौली के सम्मान में बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर बनता है तो ये क्वेश्चन बनेंगे काई में से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। वापस देखिए आप एक बार राजस्थान के एकीकरण में 25 जून को रियासती विभाग के गठन का फैसला अंतरिम सरकार लेती है। 25 जुलाई को एक ये जो 5 जुलाई को एक गठन किया गया रियासती विभाग का, और इसे रियासती विभाग का प्रमुख जो बनाया गया था वो सरदार पटेल को बनाया गया था, और उनका सचिव वीपी मेनन को। वीपी मेनन को क्यों बनाया था मैंने कारण बताया है आपको। 25 जुलाई के दिन ये रियासती विभाग जो है एक सरदार पटेल जो इनके अध्यक्ष है इनके नेतृत्व में दो प्रपत्र तैयार करवाता है। पहला प्रपत्र है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा है स्टील स्टेट स्टील एग्रीमेंट। पहले की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, कि यहां पर इसे विलय पत्र भी कहा गया है और सहमति पत्र भी कहा गया है। इसमें उन राजाओं को हस्ताक्षर करने थे जिन्हें भारत संघ में शामिल होना था, और इसमें शामिल होने वाले पहले शासक कौन थे, साधु सिंह फ्रॉम बीकानेर, और ये हस्ताक्षर जो करते हैं वो 7 अगस्त 1947 को करते हैं। इसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले दो अंतिम शासक हैं धौलपुर के शासक उदयपाल सिंह, और इन्होंने हस्ताक्षर किए 14 अगस्त को पाकिस्तान के गठन के दिन या पाकिस्तान की आजादी के दिन। और जोधपुर और भोपाल के नवाब ने भी, जोधपुर के शासक और भोपाल के नवाब ने भी इसी दिन किए, लेकिन धौलपुर के शासक से पहले किए। अब यहां से क्वेश्चन आता है किसने किससे हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, तो किशनगढ़ और शाहपुरा से हस्ताक्षर नहीं करवाए गए क्योंकि छोटी रियासतें थी, इतना वजूद नहीं रखती थी, और इन रियासतों को तोहफों की सलामी का अधिकार भी नहीं था। कोटा रियासत की तोहफों की सलामी का अधिकार कम कर दिया गया था, उसके सम्मान में कमी कर दी थी 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि मेजर बटन वहां पर मारा गया था, और यह क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में एक बार आया हुआ है। कोटा के सम्मान में कमी कर दी, तोहफों की संख्या कम कर दी थी, और उसी दौरान करौली के सम्मान में बढ़ोतरी की गई थी, और उसके सलामी में दी जाने वाली तोहफों की संख्या में वृद्धि की। इसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारा चैनल जो एचपी एजुकेशन वाला है और आईबीएस एजुकेशन हब है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।